फ्रेंड्स, वेलकम टू मशीन टूल डिजाइन कम्युनिटी अगेन। अभी जो हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं डाई एलिमेंट्स ऑफ प्रेस टूल, तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स हम लोग ने छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने डाई प्लेट और डाई बैक प्लेट का वीडियोस लॉन्च किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बॉटम प्लेट की ओर। ओके, बॉटम प्लेट के तीन फंक्शन है। पहला फंक्शन तो कि वो क्लैंप करता है, बॉटम क्लैंपिंग में यूज होता है, पूरे टूल को बॉटम में जो फिक्स हाफ है उसको क्लैंप किया जाता है बॉटम प्लेट पे। सेकंड थिंग, वो डाई प्लेट या डाई बैक प्लेट को क्लैंप करता है। ओके, और थर्ड उसका फंक्शन है कि बॉटम हाफ जो फिक्स हाफ है और मूविंग हाफ को वो गाइड करता है। दैट मींस जो गाइडिंग एलिमेंट्स पंच और गाइड पिलर और गाइड पुश है वो उसमें होते हैं। सो अभी हम लोग जाते हैं इसकी डिजाइन की ओर। ओके, अब हम लोग को डाई की विड्थ पता थी, हम लोगों को डाई की विड्थ पता थी। तो ये डाई जो है यहां पे क्लैंप होगी, उसके बाद इसके बाहर हमारे पास गाइड बुश और गाइड पिलर लगाने होंगे, और उसके बाद तो हम लोगों को एटलीस्ट 75-80 mm पर साइड साइज चाहिए होगा, ताकि जो प्रेस ऑपरेटर है वो अपनी डाई को यहां पे अपने क्लैंप कर सके, अपने क्लैंप लगा के यहां पे स्क्रू कर सके। तो हमारे पास एक 70-80 mm डाई प्लेट से ज्यादा साइड चारों साइड से होना चाहिए। तो हम लोग एक डिजाइन करेंगे कि डाई प्लेट की विड्थ और लेंथ है, उसके बाहर 70-75 mm हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हम लोग को लेंथ और विड्थ मिल जाएगी। अब इसका मटेरियल जो होता है MS होता है, या जो बहुत बड़ी बड़ी डाइज होती है जैसे 1 मीटर की रूफ की डाइज, कार के रूफ की डाइज, कार के चेसी की डाइज, डोर की डाइज, डोर की ट्रिम डाइज, तो ये सबको बहुत बड़े बड़े डाइज रखते हैं। तो अगर उस टाइम पे थिकनेस भी 100 mm से ज्यादा, 200 mm से ज्यादा लगती है, तो उस टाइम पे हम लोगों को MS का प्लेट नहीं यूज हो सकता, बिकॉज बहुत बड़ा प्लेट हो जाता है और बेंड हो सकता है। इसीलिए कास्टिंग के डाइज यूज करते हैं, वो टाइप के बॉटम प्लेट और टॉप प्लेट कास्टिंग के यूज करते हैं। प्रॉपर पैटर्न बनाया जाता है उसको, कास्टिंग के प्रॉपर एयर वेंट होल प्रॉपरली किया जाता है। तो अगर हम बेसिक कंस्ट्रक्शन में जाए जो, तो MS की अगर प्लेट यूज करते हैं तो उसका थिकनेस होगा 2 × TD, दैट इज TD आपको याद होगा पिछले वीडियो में कि डाई प्लेट की थिकनेस, तो 2 × 22 mm इज इक्वल टू 44 mm, तो लगभग 45 mm का MS अवेलेबल है मार्केट में। तो हम लोग 45 mm का थिकनेस का MS यूज कर सकते हैं, और बाकी डिजाइन हम लोग बॉटम प्लेट की इस हिसाब से कर सकते हैं। तो अभी हम अगला पड़ाव जाएंगे टॉप प्लेट की ओर इसके बाद, ताकि हम लोगों को अगला एलिमेंट पता चले। ओके गाइस, थैंक यू।